नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। देश में इन दिनों आपने कई हिंसा और बुलडोजर की खबरों को देखा और सुना होगा, हमने भी दिखाया था। ऐसे में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मंत्रालयों को सेनानिवृत्त लोगों ने कई चिट्ठियाँ लिखी हैं, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारी और राज्य सरकारों की मिली भगत के बारे में बताया है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि संबित पात्रा ने और क्या क्या कहा। और खबर है कि 108 सेवानिवृत्त अफसरों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने एक पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी, और उनका कहना है कि देश में एक माहौल बन रहा है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य रखना चाहिए। बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, वही समूह वही काम, द सेम ग्रुप विद द सेम फंक्शनिंग। ये वही समूह है नौकरशाहों का जो हमेशा उसी प्रकार की चिट्ठी लिखते हैं और उसी प्रकार के एजेंडा को देश में सेट करना चाहते हैं। बड़ा दुख का विषय है कि इस देश में आज नरेंद्र मोदी जी की सकारात्मक शासन के अंतर्गत जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, उसके अंतर्गत जिस प्रकार के अच्छे काम हो रहे हैं, 80 करोड़ जनता तक मुफ्त राशन पहुंचाना काम आज समग्र भारतवर्ष में हो रहा है, और जिस प्रकार से प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन का काम भी अपने चरम पर है, ये आज महत्वपूर्ण विषय। इन महत्वपूर्ण विषयों पर एक चिट्ठी इस समूह ने कभी नहीं लिखी। आप सोचिए, आज लगभग पूरे देश में 45 करोड़ जनधन अकाउंट्स खुल चुके हैं, और पैंडेमिक की सिचुएशन के बावजूद, पैंडेमिक के दौरान, उन दो वर्षों के दौरान 2 करोड़ से अधिक अकाउंट खुले, उसके बावजूद जिस प्रकार की नकारात्मकता के साथ ये चिट्ठियां लिखी जाती हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक एजेंडा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झूठ और असत्य, मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यदि कुछ बातें फैलाई जाए तो उसका भी जो नतीजा होता है वो कहीं ना कहीं देश में भ्रम के माहौल को बनाने का होता है। और इस प्रकार की चिट्ठी से, इन प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन से व्हाट वी क्रिएट इन द कंट्री इज अ सिचुएशन ऑफ मिस्ट्रस्ट, एंड व्हाट दी सो कॉल्ड ऑफिसर्स हु आर रिटायर्ड, दिस 108 ब्यूरोक्रेट्स हैव डन टुडे इज दे हैव सेट ट्रस्ट इन द कंट्री। और एक बात अगर सोचे हम, तो जो चिट्ठी में लिखा गया है कि कुछ राज्य की पुलिस, कुछ राज्य सरकारें इसमें कॉम्प्लेसेंट लगती है, मिली हुई लगती है, आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के साथ राजस्थान की सरकार मिली हुई है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान या महाराष्ट्र की पुलिस को हिदायत दे रही है? नाइदर द राजस्थान गवर्नमेंट नॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द so called whims and fancies of the central government as these officers have written in their letter। to hamara sirf itna kehna hai chitti likhne se pehle sabhi vishayon ki satyata ko sabhi vishayon ke tathya ko jankari mein rakhni chahiye। hindustan virat desh hai, yahan ke log buddhiman hai, to swabhavik roop se log is agenda ko dekh sakte hain। aur vigat kai varshon se jab se modi ji ki sarkar rahi hai humne dekha hai ye wahi samuh hai जो इसी प्रकार के चिट्ठी को लिख करके एक मिस इन्फॉर्मेशन का वातावरण, एक भ्रम के वातावरण को देश में सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं।